दोस्तों, तो चैप्टर 8 वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं पाइथन में और कैसे हम असाइनमेंट के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करते हैं इन दैट वेरिएबल। सो लेट स्टार्ट। पाइथन वेरिएबल्स जो होते हैं उनको किसी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की नीड नहीं होती है जिससे कि वो मेमोरी को रिजर्व कर सकें। जैसा कि आपने C++ में पढ़ा होगा कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली उसके डेटा टाइप को बताते हैं। आपने जावा में पढ़ा होगा कि हम जब मान लीजिए कोई वेरिएबल ए डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ए, आइदर इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। बट एज यू कैन सी कि हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये एक्स किस टाइप का है, ये इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि क्या है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ये पाइथन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि आखिर इसके लिए वो कितनी मेमोरी स्पेस रिजर्व करे। तो इन दैट केस वो इस वैल्यू को देखता है जिसके साथ उसको असाइन किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें हम लिटरल्स को डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरीके से मतलब लिटरल्स ये बताते हैं कि वो किस टाइप का है। लाइक हमने 5 लिया तो 5 विल बी नंबर। नंबर में हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर शुड बी अ होल नंबर, इट शुड नॉट बी फ्रैक्शनल पार्ट इन दैट वन। वो माइनस या प्लस या जीरो हो सकता है बट उसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं होंगे। जैसे ही उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के फॉर्म में आ जाएगा या वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो चूंकि ये वैल्यू जो है दैट इज ऑफ नंबर टाइप, तो एक्स विल ऑटोमेटिकली होल्ड और इट विल इसका जो टाइप होगा दैट विल बी ऑफ इंटीजर या नंबर टाइप हो जाएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर एक्स में इंडिया को स्टोर करा रहे हैं तो चूंकि इंडिया एक स्ट्रिंग टाइप है तो एक्स भी अपने आप ही स्ट्रिंग टाइप में के फॉर्म में ट्रीट होगा। तो जनरली यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हम नहीं बताते हैं कि टाइप क्या है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू के बेसिस पे उस वेरिएबल का टाइप डिसाइड होता है। जो एक्सप्रेशन अगर हम यूज करें यहाँ पर, जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया था कि एक्स इक्वल टू 5 हमने डिफाइन किया और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये नॉर्मल वो तरीका है जो हम और लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइथन में ये तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक नंबर टाइप है और इस तरफ एक्स जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग और नंबर को आप डायरेक्टली एक मिक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्लस ऑपरेटर से नहीं प्रिंट कर सकते। तो इस केस में आपके पास जो तरीका है वो ये है कि या तो आप एक्स को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव str फंक्शन। str फंक्शन में हम एक्स को पास करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको कंकैटिनेट करेंगे, देन इट इज़ वैलिड। सेकेंड केस क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम सिंपली कॉमा ऑपरेटर के थ्रू एक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं एंड दैट विल बी प्रिंटेड। मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करेंगे? दूसरी लैंग्वेजेस में एक्स या वाई या जेड हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं। हम डेटा टाइप एक बार में बता सकते हैं लेकिन हम वेरिएबल्स को अलग अलग देखे या तो डिक्लेरेशन पहले करेंगे और फिर उसके बाद उसको असाइनमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन राइट एक्स वाई एंड जेड एट अ टाइम और उसके बाद हम तीन वैल्यूज को उसी के साथ असाइन कर सकते हैं। तो अपने आप उनके ऑर्डर्स के फॉर्म में एक्स में 10, वाई में 20 और जेड में 30 असाइन हो जाएगा। इसको हम सिंपली एक्स इक्वल टू दिस कॉमा वाई इक्वल टू दिस कॉमा जेड इक्वल टू दिस के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज यू कैन सी कि कितने आराम से हम मल्टीपल असाइनमेंट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन पाइथन। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो जैसा हमने कहा कि अगर हमारा जो वैल्यू है लाइक इन दिस केस 5.56 एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो बिकॉज हम जो असाइन कर रहे हैं वो एक फ्लोटिंग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो इसलिए एक्स का जो टाइप होगा या मेमोरी स्पेस होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए हमें सिंपली क्या करना है, असाइन जो करनी है वैल्यू को वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का होना चाहिए। स्ट्रिंग्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्ट्रिंग आर लाइक एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि हम इसको पिछले भी सारी लैंग्वेजेस में ऐसे ही पढ़ते आए हैं, C++, सी में, जावा में, सभी में आपका जो एरे जो स्ट्रिंग होता है वो एरे ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है जिसमें आप इंडिविजुअल्स से जावा में तो जनरली एज अ क्लास ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं बट इन सी और सी प्लस प्लस की अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो दैट इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स और हम इंडेक्स वाइज उसको वन बाय वन रिट्रीव कर सकते हैं। और पाइथन में हम पेयर्स को सिंगल या डबल कोट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो या डबल कोट्स में भी कर सकते हो। जो प्लस साइन है वो यूज होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर के फॉर्म में, यानी दो स्ट्रिंग्स आपने हेलो लिखा, वर्ड लिखा और प्लस बीस में इस्तेमाल किया तो इट विल बी कंकैटिनेटेड एज हेलो वर्ड, एक नई स्ट्रिंग बनेगी हेलो वर्ड। यहाँ पर भी स्ट्रिंग म्यूटेबल फॉर्मेशन में ही होते हैं, यानी कि सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगी हर बार जब भी आप कोई नई स्ट्रिंग यूज करोगे। अगर आप कंकैटिनेट भी कर रहे हो तो एक नई मेमोरी एलोकेशन होगा और उसमें हेलो वर्ड जो कंकैटिनेटेड फॉर्म आएगा दैट विल बी स्टोर्ड।
जो एस्ट्रिक ऑपरेटर एक यहाँ पर अलग से दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट यू कैन सी, जो आपको दूसरे लैंग्वेजेस में जनरली देखने को नहीं मिलेगा। ये एस्ट्रिक ऑपरेटर क्या करता है, ये रिपीटेशन करता है, यानी आपने लिखा से एस कॉमा टू, सॉरी एस इंटू टू, तो एस अगर स्ट्रिंग है और एस में आपने हेलो दिया है तो ये दो बार हेलो को प्रिंट करेगा, यानी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। वी कैन सी एन एग्जाम्पल, सेम एस टी आर इज इक्वल टू हेलो वर्ड, प्रिंट एस टी आर क्या प्रिंट करेगा, सिंपल हेलो वर्ड। प्रिंट एस टी आर जीरो क्या प्रिंट करेगा, पहला इंडेक्स एच। प्रिंट एस टी आर 2.5 के इंडेक्स क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेगा, सेकेंड इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 L, और फिफ्थ इंडेक्स तक जाएगा 2 3 4, ठीक है, तो L L O, ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स टिल फिफ्थ इंडेक्स, ओके। इफ यू आर प्रिंटिंग एस टी आर 2:: एंड वी आर नॉट स्पेसिफाइंग सेकेंड इंडेक्स, हम दूसरा इंडेक्स नहीं बता रहे हैं, तो क्या होगा, 2 से शुरू करेगा, यानी L से शुरू करेगा और पूरे लास्ट तक, स्ट्रिंग के एंड तक ये उसको लेकर जाएगा, राइट। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एस टी आर इंटू टू क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के केस में क्या हो रहा है कि ये उस स्ट्रिंग को दो टाइम इस्तेमाल करेगा, और दो टाइम इस्तेमाल करने के बाद इट विल प्रिंट इट लाइक दैट वन, कि एस टी आर इंटू टू, तो एस टी आर की वैल्यू चूंकि हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड दो बार आपका प्रिंट होगा यहाँ, ठीक है। एंड अगर हम प्लस यूज करते हैं तो कंकैटिनेट करेगा, जैसे हमने बोला स्ट्रिंग हेलो वर्ड है, उन हेलो वर्ड के साथ हम टेस्ट को कंकैटिनेट करना चाहते हैं, तो वी विल गेट हेलो वर्ड टेस्ट इन दिस केस। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जिसको हम पाइथन लिस्ट, पाइथन टपल्स, पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन ये इस वीडियो में कवर नहीं है, इसको हम आगे लेटर ऑन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स के फॉर्मेशन में अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको सेपरेटली डिस्कस करना ही ज्यादा सही रहेगा, तो दैट विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। ओके, कैसे हम इनपुट लें यूजर से, बहुत से प्रोग्राम्स में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि हाउ वी विल गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। तो पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट, एज यू कैन सी है द इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं कि ये वेट करेगा यूजर के लिए एक टाइम इंटरवल के लिए कि यूजर कुछ इनपुट प्रोवाइड करे। तो एक्स इक्वल टू इनपुट मीन्स कि आप जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे वो एक्स में आएगा और फिर उसके बाद एक्स के ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हो। तो जो भी टाइप का आप वैल्यू दोगे, आपने नंबर दिया तो नंबर टाइप हो जाएगा, आपने फ्लोट दिया तो फ्लोट टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग टाइप, दैट बेसिकली इज देयर। तो इनपुट फंक्शन नॉर्मली आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेशन में रिटर्न करता है, ठीक है, यानी कि ये आपको नंबर फ्लोट और उस फॉर्म में नहीं देगा, ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ और वर्क इसके ऊपर कराना है तो आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद डिफरेंट फंक्शंस टू दैट फॉर्मेशंस, ओके। तो इनपुट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग एंड असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल जो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। सम ऑफ टू नंबर्स, दिस इज अ प्रोग्राम हाउ वी कैन रिट्रीव द सम ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हमने लिया एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट के थ्रू हमें एक्स में वैल्यू असाइन हो गई। एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट के थ्रू वाई में वैल्यू असाइन हो गई। एंड देन यू कैन सी कि हम यहाँ पर टाइप कास्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स को पहले इंट में, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इनपुट फंक्शन जो है वो किस टाइप की वैल्यू देता है, स्ट्रिंग टाइप की। तो स्ट्रिंग को पहले हमने नंबर में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को हमने नंबर में कन्वर्ट किया और तब उसको हमने एडिशन किया और जेड में स्टोर किया, तो जेड विल हैव इंटीजर वैल्यू विद दैट वन, तो यू विल गेट जेड हियर। अगर आप ये नहीं करते तो इन दैट केस आपको कंकैटिनेटेड ऑपरेटर 3+4 यानी 34 आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। दूसरा तरीका जो है आप सिंपली इंट इनपुट फंक्शन को ही इंट के अंदर पास कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली दिस एक्स विल बी ऑफ टाइप, ओके। सो गाइज, दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और इवैल्यूएशन फंक्शन और प्रिंट फंक्शन को हम ज़्यादा प्रॉपर वे में कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। सो टिल देन, keep watching and subscribing. Thank you very much.